आराम से आराम से आराम से, बस बस बस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। एंड आज की व्लॉग होने वाली है भाई, मतलब आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसके बाद आपको पता चल ही रहा होगा। भाई रेडी? कहाँ जाना है? लेट्स गो एंड हैव फन। तो भाई अभी बहुत सारे मतलब यहाँ पे भीड़ होने वाली है, भीड़ होने से पहले निकल लेते क्योंकि संडे राइड को ना भाई देखो इतना लेट होगा। चेक वाह, उठेगा क्या? लगता है उठ जाएगा। हम्म, पक्का उम्मीद है तुमको? ए क्या है? बैगन? यूट्यूब पे देखता है भाई? वाह, इंस्टाग्राम पर? हाँ उठा रहे भाई एकदम, तुम बोल दिए उठाना है मतलब उठाना है। चले आराम से आराम से आराम से, बस बस बस। जवाब है देखो, बच्चे लोग बोल रहे थे चक्का उठाने को, भाई मैं ना भाई जानबूझकर वहाँ पे नहीं किया क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। अब कभी कभी मस्ती के लिए अच्छी बात है बट हमेशा नहीं। पूरा मिलेगा, आने देते भाई सारे राइडर्स को। भाई मजा आता है ना जब दोनों सीन एक साथ ड्रैग करते हैं अपन, तो थोड़ा सी स्ट्रेट पैच मिल जाए उसके बाद खींचेंगे। तो भाई लोग अभी एक चीज़ देख लो, यहाँ पे बाइक में एक पंचर तो हमें दिख गया यहाँ पे, ये रहा भाई पंचर, ये रहा कील। तो चलो चलते आगे की तरफ, यहाँ पे सारे लोग रुके थे तो हम भी रुक गए क्योंकि थोड़ा रील सेशन का टाइम चल रहा है, सब लोग का मन है भाई रील बनाने का,
चलते रील बनाते हैं भाई। मेरा ग्लव्स दे दो यार, तुम क्यों चोरी कर लेते हो भाई, देख रहे हो उधर देखो, सेम सेम चल रहा सारा। चले देख कर भाई ये लोग कितने समझदार है भाई, एकदम लाइन से रोड क्रॉस कर रहे थे सारे, और अपनी बाइक पे ना भाई मतलब व्हीली बहुत ही प्यारी उठ रही है, पता नहीं क्यों, शायद जो कील लगा ना उसकी वजह से टायर प्रेशर थोड़ा लो हो गया, इसीलिए व्हीली लंबी कैरी हो रही है। अब सबको पता है जब बाइक की रियर टायर में प्रेशर थोड़ा कम होता है ना तो व्हीली अच्छी कैरी होती है। यही दिक्कत है भाई, मतलब लोग ना बहुत सारे रोड क्रॉस करते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से बस बच बच के चलना है, बाकी सब ओके रिपोर्ट है। ये लोग ना तीनों अलग ही परेशान करके रखे हैं भाई, इतना हॉर्न बजा रहे थे तब से, हमने एक बार इन्हें पास दे दिया बट फिर हमने भाई अपने स्पीड पे चल रहे तो वो ओवरटेक हो जा रहे हैं।
साइकिल खींचने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसका भाई कुछ कहना ही नहीं होता, अलग लेवल की खुशी मिलती है। भाई ये रही KTM और बाकी इधर 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 सारी कावासाकी। अभी देखा जाए ना कुछ दिनों में मतलब कावासाकी का सेल फिगर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, क्योंकि इंडियन मार्केट में ना भाई इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स उन्होंने लाया है, हर सेगमेंट में उनके पास बाइक है। चाहे वो आप देख सकते हो मतलब 300cc चाहिए, या फिर आप उसके ऊपर जाओगे तो भाई आपको 650 मिलती है, उसके ऊपर जाओगे तो आपको भाई 900 मिलती है, और सबसे ऊपर जाओगे तो ZX10R मतलब प्रॉपर बाइक 1000cc की सुपर बाइक कैटेगरी है ना भाई, ये किसी और कंपनी अभी तक इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर रही है कि भाई नीचे सेगमेंट से लेकर ऊपर सेगमेंट तक भाई आप यहाँ वहाँ में ही देख लो यार, मतलब बहुत ही गिने चुने बाइक्स है यार। तो ये सारी रीजंस है कि भाई कावासाकी का सेल फिगर्स अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो भाई सारे दबाए, कि भाई लोग को कहते हैं बाय बाय। ये टाइम ना थोड़ा और पहले रहता ना तो और ज्यादा मजा आता। अब से मतलब नेक्स्ट संडे से टाइम थोड़ा पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आने के बाद ना भी थोड़ा गर्मी गर्मी फील होगा। भाई अभी हमने कर लिया बाइक चेंज, मैं आ चुका हूँ भाई ड्यूक 390 के ऊपर। भाई को चलाने का मन था अपनी गॉडज़िला, तो वो चला रहा गॉडज़िला को। छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा भाई, ये बाइक इतनी स्मूथ लग रही है ना, जैसे मतलब आप सुपर बाइक से इस पर स्विच करोगे ना भाई, इस बाइक को प्रॉपर आप थ्रॉटल आउट कर सकते हो भाई सिटी में और इस हाईवे पे तो बिल्कुल आराम से। तो गाइज आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते फिर किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। अनटिल देन बाय बाय गाइज, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।